अंदर कूद कूद के मोटिवेशन भरी है। चलाइए सर, एंजॉय करिए वीडियो। बैठा क्या है, खड़ा हो जा। भाई वो पैरालाइज है मेरे पैर, बहाने क्यों देता है, खड़ा हो, दौड़ और जिंदगी में जीत जा। नहीं भाई, बहाने नहीं दे रहा हूँ, सच में रिपोर्ट्स देख लो आप, पैरालाइज हो। ये सब झूठ है, तेरा एक कड़वा रूप है। अरे हॉस्पिटल में कौन शोर मचा रहा है, ए, तुम कौन हो? नर्स इसको संगी को बाहर लेके जाओ, तो अभी नहीं उठा तो बैठा रह जाएगा, जिंदगी का सपना टूटा रह जाएगा। कौशल जी आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा। ए संगी, वो कोमा में, उनके साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? ये नहीं करना है बस। डाउनलोड आया सर, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा। हिम्मत नहीं हारनी, लगा रहे लगा रहे लगा रहे, ये नहीं करना। वो बेचारा गरीब आदमी आया सर, बताओ करना क्या है? ये नारेबाजी नहीं करनी, राइट? दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज डिजास्टर, दिस इज डिजास्टर। तभी कहते हैं तकलीफ वाले आदमी को अगर आप ज्यादा मोटिवेट करोगे, जिंदगी में आपकी टीम छोड़ के चले जाएगा। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं, क्विकली आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है। ये सिखाइए लोगों, अगली बार सिखाऊंगा कभी मौका मिलेगा। एक मिनट में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सब सिखाइए लोगों। दो घंटे की मीटिंग मत सिखाइए। सुरेखा जी, एक अच्छी मीटिंग का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो। एब्सोल्यूट 35 से 40 मिनट, एब्सोल्यूटली, एंड शी इज एब्सोल्यूटली राइट। दो घंटे नहीं, एक घंटा नहीं, डेढ़ घंटा नहीं। और अगर यही मीटिंग हमें एक मिनट में समेट लो, क्या चार लाइनें बोलनी है जिससे आदमी को लगे अच्छा ये बिजनेस है? और बताइए, यही तो बताना है हमको मीटिंग में कि बिजनेस क्या है। टीच ऑल दिस टू पीपल, और क्या सिखाना है लोगों को? आगे बढ़िए, ये सिखाना है। आगे बढ़िए सर, एक एंटर दबाइए, ये रुकवाइए, भगवान करके रुकवाइए। एक एक लेग, वन लेगेड वंडर आप जानते हो, जो हमेशा एक ही टांग पे खड़े रहते हैं। 90% बिजनेस एक लेग से आता है। ये सिखाइए, मौत है। वो बेचारा गरीब डामन की हालत देखिए, अपलाइन डू इट डू इट डू इट डू इट डू इट। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। बात करिए, रोकड़ा नहीं आएगा, रोकड़ा यहीं तक आएगा, रोकड़ा यहां आएगा, यहां आएगा, थोड़ा बाद यहां आएगा। ऊपर भगवान मालिक है। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बहुत लोगों के होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं। क्यों होते हैं? एक अच्छा डाउनलाइन मिल गया, हमें लग गया कि हम नेटवर्क पर बन गए, और ढूंढिए ना, बहुत स्ट्रक्चर तो बना। आगा जाइए, आगे चलिए, नेक्स्ट। मैं खुद ईडियो, मेरे डाउनलाइन टीबीडी है, और मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी टीम मेरी इज्जत करे। दिल से बताऊं एक बात, आदमी दुनिया में सिर्फ उसी की सुनता है जो उससे आगे होता। हम आउट ऑफ फॉर्मेलिटी किसी के पांव तो छोड़ेंगे, लेकिन अगर वो आदमी मेरे से जिंदगी में नीचे है, मैं उससे दिल से इज्जत आनी मुश्किल होती है। तो जो अपलाइन खुद ईडी और डाउनलाइन टीबीडी है, मान लीजिए या डीबीडी है, और अगर मेरा ये गलत नहीं है, बहुत बढ़िया बनाया आपने, एक लेग आपकी स्ट्रांग है, लेकिन अगर मैं ईडी पे जिंदगी भर अटका रहूंगा तो टीमें मेरी बात सुननी बंद कर देंगी। अगर डाउनलाइन आपकी बात नहीं सुनता है तो दो ही कारण होते हैं। कारण नंबर एक, आपको पता नहीं क्या बोलना है, कैसे हुआ आपको पता ही नहीं चला, या फिर आप उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। बच्चे भी नहीं सुनते आजकल तो मां बाप की, अगर मां बाप वैल्यू ऐड ना करें तो। यहां गुरुजी प्रणाम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। ये लो स्ट्रक्चर्स मत बनाइए। यहां तक ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, देखो सब उंगलियां अलग हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि तीन उंगलियां गायब है हाथ में से, और फिर मैं कहूं मैं बॉक्सर बनना चाहता हूं, नहीं होगा ना। दो उंगलियों से तो बॉक्सर नहीं बन सकता। हाँ, दूसरे अच्छे काम कर सकता हूं, लेकिन बॉक्सर नहीं बन पाऊंगा। डोंट नो दिस, टीच दिस टू पीपल, टीच दिस टू पीपल। यहां समय लगाइए लोगों के साथ, समय पे करेक्ट करेंगे तो पैसा अच्छा आएगा, समय पे करेक्ट नहीं करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, चेक नहीं आएगा। आगे चलते हैं।